बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीफ पुलाव की रेसिपी, जो बनने में नहायत आसान है और खाने में बेहद मज़ेदार। चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये मैंने एक पैन लिया है, उसमें ऑयल देखिए बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर दूँगी। अब हम इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज फ्राई हो चुकी है, इसको मैंने निकाल के अलग रख लिए। अब मैं इसका आगे क्या करूँगी मैं आपको रेसिपी में बताऊँगी। इसके साथ ही इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, उसी ऑयल में जो बच गया था, और उसको हम बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखें, अदरक लहसुन बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। इसके साथ ही जो मैंने गोश्त को पहले से बॉयल करके रखा हुआ है वो डाल के इसको मैं इस अदरक लहसुन में भूनूंगी। इसको मैंने पहले से बॉयल करके रख लिया है। ये तकरीबन आधे किलो के जितना गोश्त होगा। ये देखें, गोश्त अच्छी तरह से भुन चुका है। इसके साथ ही इसके अंदर मैं दो अदद मैंने टमाटर काट के डाल दूँगी इसके अंदर, इसको गोश्त को, और इसको एक साथ भूनेंगे ताकि टमाटर भी एकदम से गल जाए। इसके साथ ही मैं इसको 10 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। अब इसमें कुटी मिर्च डालूंगी एक चम्मच, ये ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहें तो डालें, मैंने नहीं भी डाले। उसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी पुलाव मसाले का एक डब्बा मैंने मंगवाया था नेशनल वालों का, वो डाल दूँगी इसके अंदर। अब हम इसको भूनेंगे जब तक कि टमाटर भी गल जाए इसमें अच्छी तरह से और मसाला भी भून जाए। हम इसको हल्की आंच पर भूनते रहेंगे। 5 मिनट तक हम भूनेंगे तो इसके अंदर हम पानी शामिल कर देंगे। इसको हमें ज़्यादा तो भूनना नहीं है क्योंकि गोश्त तो हमारा पहले से ही गला हुआ तैयार है बिल्कुल। इसे हम 5 मिनट भूनेंगे ताकि टमाटर भी इसके सारे वो हो जाएँ, गर्म पड़ जाएँ और एक मसाला सा बन जाए। ये देखें, गोश्त बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। तो ये जो मैंने इसकी यखनी थी इसको मैंने अलग निकाल कर रख लिया था, वही इसमें शामिल करेंगे। ये इतनी बहुत है क्योंकि गोश्त तो पहले ही गला हुआ तैयार है बिल्कुल, ये मसाला ही बस तैयार है। इसको बस हमने इसको ढककर हल्की आँच पर रख देना है जब तक कि हमारे चावल बॉयल्ड हो रहे हैं। इसके साथ ही हम इसके अंदर 2 चम्मच दही डाल देंगे। 2 ले लें आप, 3 ले लें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ा सा इमली का रस भी डालना है इसके अंदर। ये मैंने एक थाल लिया है, उसके अंदर जो मैंने प्याज ब्राउन करके रखी थी वो सारी मैं इसमें डाल दूंगी, इसलिए मैंने शुरू में प्याज ब्राउन करके निकाल ली थी। इसके साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूंगी हरा धनिया जो मैंने बारीक काट लिया, पुदीना भी डाल दूंगी इसके अंदर। हरा धनिया ज़्यादा होगा, पुदीना कम होगा। इसके साथ ही मैंने ये जो टमाटर कट करके रखे थे बारीक बारीक, ये भी डाल दूंगी। ये है मेरे पुलाव का सीक्रेट मसाला, जिसकी वजह से मेरा पुलाव बहुत मज़ेदार होता है, सब तारीफ करते हैं। ये 1/2 टी चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला ले लिया है। अब हमें सारे मसालों को बहुत अच्छी तरह से मसल के बहुत अच्छी तरह से मिलाना है कि सब एक जान हो जाए। इसको हमने बहुत अच्छी तरह से मसलना है हाथों के साथ। जो हमारी प्याज ब्राउन है वो भी हमारी टूट जाए, चूर हो जाए इसमें, और टमाटर भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखें, बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको मसल लिया, बिल्कुल नरम करके मिला लिया है। अब मैं इसका दिखाऊँगी कि आगे क्या करना है। ये देख सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी जो यखनी है बिल्कुल बनकर तैयार है पुलाव की। अब हम इसको तह लगाएंगे। चावल हमारे पहले ही उबाल हो चुके हैं। सबसे पहले हम चावल डाल देंगे पतीले में अपने। इसके बाद जो मैंने यखनी बना के रखी है उसकी तह लगाएंगे चावलों के ऊपर। आधे चावल मैंने नीचे डाल दिए, फिर यखनी डालूंगी सारी। देखिए, मैंने इसमें सारा यखनी डाल चुकी हूँ, सारी यखनी। इसको मैं अच्छे तरह से फैला दूँगी चावलों के ऊपर। इसके साथ ही मैंने जो थाल में मसाला बना के रखा था वो भी इसमें डाल देंगे, हम शामिल कर देंगे। ये देखिए, मैंने जो थाल में मसाला बना के रखा था उसको भी मैं अच्छी तरह से पूरी यखनी पे फैला दूँगी। इसके साथ ही जो मैंने बचे हुए चावल हैं वो डाल दूँगी। ये देखें, सारे चावल हम इसके ऊपर फैला देंगे बहुत अच्छी तरह से।
ये देखें सारे चावल मैंने डाल दिए, ये तकरीबन 1 किलो के करीब चावल लिए थे मैंने। इसके साथ ही मैंने ये इमली का पानी बना के रखा हुआ है, इससे डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये मेरे सारे सीक्रेट्स हैं जिससे मेरा पुलाव बहुत मज़े का होता है, इससे हमारा पुलाव बहुत ही जूसी और मज़ेदार सा बनेगा। इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा पुदीना डाल दूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि बीच मैंने जो बीच में तह लगाई थी उसमें भी मैंने कम ही पुदीना डाला था। और ये आधे चम्मच से भी कम मैंने इसमें केवड़ा डाल दिया ताकि इसकी बहुत अच्छी से खुशबू आ जाए। अब इसको मैं ढककर दम पे रख दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। ये देखिए हमारा पुलाव दम लग चुका है। अब इसके अंदर हम चम्मच चला के इसको मिक्स करेंगे पूरा। देखिए माशाल्लाह कितने खिले खिले चावल हैं, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें इसका फाइनल लुक है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।